नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। फ्रेंड्स, घर में छोटे छोटे बच्चे लिखने का बहुत शौक करते हैं और ऐसे में उनके हाथ में जैसे ही पेन या पेंसिल लगती है वो दीवारों पर कुछ ना कुछ लिख देते हैं और कुछ ना कुछ बनाते रहते हैं। ऐसे में हमारा घर में किया हुआ महंगे से महंगा पेंट भी खराब हो जाता है। आज की जो वीडियो है उसमें मैं आपको दो ऐसे टिप बताऊंगी जिनको फॉलो करने से आप बच्चों के द्वारा बनाए हुए उन निशानों को एकदम साफ कर सकते हो। इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि आप आने वाली वीडियो को सबसे पहले देख सकें। तो फ्रेंड, सबसे पहले आता है विनेगर। विनेगर जैसा कि आमतौर पर हमारे किचन में पाया जाता है, अब मैं आपको बताऊंगी इस विनेगर को आपने कैसे यूज़ करना है। आपने थोड़ा सा विनेगर लेना है और इसे कटोरी में ले लीजिए। देखिए, मैंने भी कटोरी में लिया है। अब इसमें एक साफ कपड़ा डिप कीजिए और इस विनेगर को जहाँ पे निशान बने हैं वहाँ पे अप्लाई कीजिए। देखिए, मैं करके दिखाती हूँ। ये मेरे बेटे ने 2 दिन पहले निशान बनाए हैं तो मेरे मन में विचार आया क्यों ना इनको साफ करते इसमें एक वीडियो बना दी जाए। देखिए, अब इस कपड़े की मदद से इन मास्क को साफ कीजिए। कैसा भी मास्क बना हो, परमानेंट मास्क से बना हो या फिर किसी अन्य वजह से, बारिश के टाइम में भी आपने देखा होगा कि कोई ना कोई मास्क बन जाता है। तो फ्रेंड्स, देखिए बिल्कुल साफ हो गया है। अब दूसरा टिप में आपने क्या करना है कि आपने पेस्ट, कोलगेट या फिर कोई भी पेस्ट आप यूज कर सकते हो। एक पुराना ब्रश लीजिए और उसके ऊपर थोड़ी सी पेस्ट लगाइए और अब इसके ऊपर इसे रगड़िए। मेरे बेटे ने परमानेंट मार्क्स से दरवाजा खराब कर दिया था और इसकी वजह से ये दरवाजा बहुत गंदा लग रहा था। देखिए, इस ब्रश से बिल्कुल साफ हो गया है। आप देख रहे होंगे कि बिल्कुल साफ हो रहा है। आप दोनों टिप में से कोई भी टिप फॉलो कर सकते हो। अब एक साफ कपड़ा लीजिए और इसे अच्छे से साफ कर दीजिए। देखिए बिल्कुल साफ हो गया है। ये रिजल्ट है विनेगर यूज करने का और ये रिजल्ट है कोलगेट यूज करने का। आप कोई भी टिप फॉलो कर सकते हो। आपको हमारा वीडियो कैसे लगा जरूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप आने वाली वीडियो को सबसे पहले देख सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।